हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह पेड़ गिर गए और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके चलते यातायात शहर में लगभग ठप सा हो गया है। संजौली, लक्कड़ बाजार, कल्लोग सहित अन्य हिस्सों में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इस त्रासदी के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह नुकसान का जायजा लेने के लिए खुद सड़क पर उतरे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संजौली, लक्कड़ बाजार, IGMC सड़क पर हुए लैंडस्लाइड के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को सड़कों को तुरंत बहाल करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। देखिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल बात करी है और मैंने अपने विभाग के साथ भी उसके ऊपर बैठक करी है। अभी आई थिंक दिस वॉन्ट बी दी ऑपरचुन टाइम टू टॉक अबाउट इट, मगर मैंने इसके बारे में हम एक बाकायदा पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और एक अलग से बजटरी प्रोविजन, अगले साल का जो बजट होगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करी है कि एक अलग से बजटरी प्रोविजन आपकी सड़कों के ड्रेनेज के लिए, क्रॉस ड्रेनेज के लिए, कलवटों के लिए जो है वो रखा जाएगा, ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है प्रदेश के अंदर उसको सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। केवल नई सड़कें बनाना, मेटलिंग टायरिंग करना एक अलग बात है, मगर जिस तरीके से जो नुकसान हमको केवल शिमला शहर के अंदर नहीं मगर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, बागवानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुखदायी है और इसलिए हमको इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी और प्रिवेंटिव के साथ साथ करेक्टिव मेजर्स भी लेने की आवश्यकता है और जो कमियां रही है उससे सीखते हुए भविष्य में ये चीज़ें ना हो, इसके ऊपर हमें वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है।